वहीं नगर निगम भिलाई 3 चरौदा के महापौर निर्मल कोसरे ने चरौदा उमदा में निर्मित मोर जमीन मोर आवास के तहत आवासीय क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर समस्याओं को दूर करने उचित दिशा निर्देश दिए। नगर निगम भिलाई चरौदा के उमदा में जो आवास बना हुआ है मोर जमीन मोर आवास के तहत, जहां पर रहवासी रह रहे हैं, वर्षों से उनके द्वारा जो मासिक किस्त है उस किस्त को जमा नहीं किया जा रहा था, तो मैंने आज उनकी समस्याओं से रूबरू होने वहां पहुंचा था। थोड़ी समस्याएं वहां जो वहां नाली निकासी की थी, मैंने तत्काल वहां के इंजीनियरों को निर्देशित किया है कि वहां निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए ताकि बरसात के पहले वहाँ पानी की जमावट न हो पाए। दूसरी, चूँकि वो आवास योजना के तहत जो ठेकेदार ने जो आवास का निर्माण किया है उनका भुगतान किया जाना है, भुगतान उनके द्वारा जो किस्त की राशि उसी से किया जाता है। लगभग 10 महीने से ज़्यादा समय हो गया और उन लोगों के द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा था। उन लोगों ने अपनी समस्याएं बताए, 3,000 रुपये यहाँ राशि निर्धारित किया गया था तो महीना 3,000 रुपया उनको अदा करना है। उनकी ओर से समस्या बताई गई तो मैंने कहा कि 3,000 से आधा 1,500 रुपये की राशि उन लोग महीने महीने में पटाने के लिए तैयार हो गए हैं। 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में सारे लोगों का जो शुल्क है वो शुल्क जमा हो जाएगा और वहाँ पर जो मूलभूत की समस्याएं जो आ रही थी उस समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पहले चरण में नाली का निर्माण और जो शौचालय का पानी निकलने वाला है या किचन का पानी निकलने वाले उनके लिए अस्थाई पाइपलाइन की व्यवस्था की जा रही है। देखिए, अभी लीगल रूप से यदि देखा जाए तो तात्कालिक समय में जिस समय स्टेडियम को खाली कराना पड़ा उस समय 260 लोगों का नाम वहां पर चिन्हांकित किया गया था। लगभग इतने लोग वहां पर निवास कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि उनके पारिवारिक सदस्य भी दूसरे जगह से आके निवास कर रहे हैं। तो पहले चरण में नाली निर्माण होने के बाद भौतिक सत्यापन करने का मैं खुद जाऊंगा और भौतिक सत्यापन में जो भी लीगल तरीके से रह रहे हैं उनको तो आवंटित किया जाएगा, लेकिन अनलीगल तरीके से जो रह रहे हैं उनको वहां से दूसरे जगह शिफ्ट किया जाएगा।